नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ अदिति शर्मा। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। आग लगने की अफवाह से पंजाब मेल एक्सप्रेस में मची भगदड़। बरेली के पास स्टैंड में आगजनी की अफवाह से अफरा तफरी, 20 यात्री घायल, 7 की हालत गंभीर। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस की जनरल कोच में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। रविवार की सुबह करीब 8 बजे बरेली और मिरारपुर कटरा स्टेशन के बीच ट्रेन के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह पर चालक ने गाड़ी को रोक दिया। ट्रेन की आधी बोगी नदी के पुल पर और आधी बाहर थी। गाड़ी के रुकते ही यात्री नीचे कूदने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया। जल्दबाजी में ट्रेन से नीचे कूदने में करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़े तोड़ने का आरोपी पिंकी चौधरी गिरफ्तार। गाजियाबाद में शनिवार को बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ मारपीट करने और आगजनी के आरोपी हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू रक्षा दल के नेता और हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी सहित 15 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस पिंकी चौधरी की तलाश कर रही थी। देर रात पुलिस ने पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पिंकी चौधरी के खिलाफ पहले से 16 केस दर्ज है, वह साहिबाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है। कांग्रेस ने आरक्षण का श्रेय पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को दिया, मायावती बोली रत्ती भर इसमें सच्चाई नहीं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को आरक्षण का श्रेय पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को दिया था। इस पर मायावती ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने रविवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की बातों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा था तथा उनको चुनाव में भी हारने का काम किया, कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। हिंडनबर्ग के खुलासे पर सपा ने की सेवी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे की मांग। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की चीफ माधवी बुच को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में हिस्सेदारी का दावा किया है। इस खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मामले में सेबी चेयरमैन का इस्तीफा मांग लिया है। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के इलाज में लगी विशेषज्ञों की टीम। अयोध्या दुष्कर्म की शिकार हुई 14 वर्षीय किशोरी को पहले जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर गर्भपात के लिए उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां सफल गर्भपात और डीएनए नमूने लेने के बाद उसकी स्थिति में सुधार होने पर उसे वापस अयोध्या के जिला महिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता को अस्पताल के चौथे तल पर स्थित एक निजी वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी सुरक्षा और देखभाल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उसके इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम नियुक्त की गई है, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल है। इसके अलावा फिजिशियन और जनरल सर्जन भी आवश्यकतानुसार परामर्श दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बोले महासचिव। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में देश भर के उलेमाओं और धार्मिक विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इस्लाम के आधुनिकीकरण और मौजूदा समय में मुस्लिम समुदाय के सामने आ रही चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलूर रहीम मुजदी ने धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने हमें धार्मिक संस्थान स्थापित करने और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया है, ऐसे में सरकार को हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 15 अगस्त तक दिल्ली के लिए रेलवे पार्सल बुकिंग बंद, स्टेशनों पर अलर्ट जारी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर उत्तरी रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी को स्टेशनों पर सघन चेकिंग और जांच के निर्देश दिए हैं। रेल मार्ग और पटरी के किनारे सुबह शाम गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर 12 से 15 अगस्त तक रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय से दिल्ली के लिए पार्सल की बुकिंग बंद रहेगी। इसको लेकर पार्सल कार्यालय में कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है। 15 अगस्त पर सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार के लिए पार्सल बुकिंग पर अस्थायी रोक लगाई गई। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं
देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।